प्रोडक्ट सर्विस एंड ब्रांड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कस्टमर वैल्यू कैसे हमने बिल्ड करनी है प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांडिंग के जरिए। हमने प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमने किन किन चीज़ों की मार्केटिंग की जा सकती है, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। अब जो है हम आगे जो थोड़ा चलते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग जो है बेसिकली ये एक मार्केटिंग की एक सब फील्ड है। मार्केटिंग को हम बेसिकली ना दो वो उसमें पराहों में हम लोग इसको पढ़ते हैं समझते हैं। पहला तो इसमें ये है कि जी आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं और जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, यानी गुड्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो टेंजिबल फॉर्म में होती हैं। अब टेंजिबल फॉर्म गुड्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनकी एक टाइप्स कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड भी बता चुका था मैं आप लोगों को मैं। और FMCGs होती हैं जो डेली कंजम्पशन की आइटम्स होती हैं आपकी, जैसे आप च्युइंगम खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, ये वाली आइटम्स हैं। लेकिन जो आपकी आ जाती हैं ड्यूरेबल्स, उसमें आपका फर्नीचर आ जाता है, आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, ये आपकी ड्यूरेबल्स में आ जाती हैं ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस। सर्विस मार्केटिंग टिपिकली रेफर्स टू बोथ बिजनेस टू कंज्यूमर एंड B2B मार्केट। सर्विस में पहले बता चुका हूँ आपको क्या चीज़ के इंटेंजिबल जो प्रोडक्ट्स हम लोग अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं उनको हम लोग सर्विसेज कहते हैं। ये आपके B2C मार्केट में भी होते हैं, B2B मार्केट में भी होते हैं। B2C मार्केट की बात करें, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट की, उसमें हमारे पास डॉक्टर्स जो है उनकी आ जाती है, सर्विसेज आ जाती हैं आम कंज्यूमर्स के लिए। टीचर्स की सर्विसेज आ जाती हैं आम कंज्यूमर्स के लिए। और B2B मार्केटिंग की बात करें तो डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस जो हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ का करवाते हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम लोग जो है वो कोई वेबसाइट्स की कोई सर्विस या मेंटेनेंस हम लोग करवाते हैं अपने बिजनेस की, वो चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं सर्विस मार्केटिंग में B2B के सिलसिले में। कहते जी कंपनी मस्ट कंसीडर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स व्हेन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स, कि जब हमने सर्विसेज के हवाले से अपने मार्केटिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने होते हैं या मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करना होता है ना, उसके जो चार फैक्टर है ना, हमने उनको लाजमी मद्देनजर रखना है उनको, फिर उनको डिज़ाइन करते वक्त। पहली चीज़ ये कि सर्विस इज़ इनटेंजिबल, कि सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हियर्ड और स्मेल्ड बिफोर परचेजिंग, कि परचेज करने से पहले सर्विस को ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना हम इसको जो है ना सुन सकते हैं, ना हम जो है वो इसको वो चख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ एन इंटेंजिबल ऑफर, ठीक है। दूसरा जो है वो अच्छा, जब थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं ना सर्विस को भी और गुड्स को भी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके हम जब इसको पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जी सर्विस टोटली इनटेंजिबल नहीं होती और गुड्स जो है वो टोटली टेंजिबल नहीं होता। वो कहते हैं सर्विस का कुछ ना कुछ पार्ट जो है टेंजिबल होता है और गुड्स का कुछ ना कुछ पार्ट जो है इनटेंजिबल भी होता है। तो लेकिन वो एक अलग एक बहस है, अभी मैं आपको वो बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई आपसे इस हवाले से बात करे तो आपने कहा जी, आपने कहना जी स्पेशल केसेस में ऐसा भी होता है, इन एक्सट्रीम केसेस। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने ये कंसिडर करना है सर्विसेज आर इनटेंजिबल ऑफर्स। दूसरा है कि इनसेपरेबल, कि आपकी जो सर्विस है वो सेपरेट नहीं की जा सकती सर्विस प्रोवाइडर से। जब तक आपका सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तब तक आपका जो है वो सर्विस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों का सर्विस बाय करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का उस प्लेस ऑफ पे होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को जो है ना वो कर रहे हैं, डॉक्टर से आपने वो अपना चेकअप करवाना है, तो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी है। जिस टाइम आप चेक करवाना चाह रहे हैं उसी टाइम जो है ना डॉक्टर आपको चेक करे भी आपको। अब देखें, लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। गुड्स के केस में ऐसा होता है कि चीज़ बनाने वाला शायद हो सकता है अमेरिका में बैठा हो, लेकिन चीज़ कंज्यूम नॉर्मल में हो रही है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। ये चीज़ है कि जी आपकी जो है ना वो सर्विस बनाने प्रोवाइड करने वाला जो है वहाँ पे उसका होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। और सर्विस को और सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड्स के केस में गुड्स को और गुड मैन्युफैक्चरर को अलग अलग किया जा सकता है। वेरिएबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड्स देम, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि जी आपकी जो सर्विस है ना वो वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, इसकी क्वालिटी ना वेरी करती है कि कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है,
कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है। अब एक बार्बर है, अब बार्बर को पास जो है ना, आप भी जा रहे हो, आपको भाई भी जा रहे हो कटिंग करवाने के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब हो सकते हैं आपके आपके जो भाई की जो वो है वो हेयर स्टाइल, उसकी और डिमांड हो, आपकी और डिमांड हो। अब उसको हो सकता है वो डिफरेंट बार्बर्स हैं, उनके कटिंग के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, बल्कि कुछ तो जैसा वो आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो वो 8-10 कैंचियों से जाना कटिंग करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है अपने सर्विस प्रोवाइड करने का। जिस जगह पे लोकेशन, जिस जगह पे प्रोवाइड की जा रही सर्विस, वो भी वेरी करता है। अगर आपको जो है ना वो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो आप जाते हैं मसाज करवाने जाते हैं, मिसाल के तौर पे मसाज भी एक सर्विस है, ठीक है, या आपको किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, अगर तो वो आपको किसी ऐसी जगह पे जो है ना वो ऑर्थोपेडिक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे कमरे का जो माहौल भी ठीक नहीं है, गर्मी है, वहाँ पे पसीना आ रहा है आपको, तो वहाँ पे इसकी आउटकम और होगी। लेकिन अगर वो किसी ऐसे जगह पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो कस्टमर की मंशा के मुताबिक है, कस्टमर की पसंद के मुताबिक है, तो वहाँ पे जो है ना वो हो सकता है उसको जो है उसको ज़्यादा अच्छा फीलिंग जो एक्सपोजर है वो मिले। ये जो है ना आपको वेरिएबिलिटी का जो एलिमेंट है ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं पेरिशेबिलिटी, कि सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, कि आपकी सर्विस जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती लेटर यूज़ के लिए। अब जैसे वो है ना वो आपकी गुड्स है, ठीक है, चॉकलेट है, आपने थोड़ी सी खा ली, बाकी बाद में इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है, या दोबारा इस्तेमाल कर लूँगा। अब जो है ना, अब इसमें सवाल ये आता कि सर्विस अगर स्टोर नहीं की जा सकती, तो जिस तरह मैं लेक्चर अपलोड करके रिकॉर्ड करके सेव करके वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ मैं, तो सर्विस स्टोर ही होगी ना, किसी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें यह है कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप सर्विस ऑब्टेन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप सिर्फ समझ सकते हैं, मेरी आवाज़ को आप रिपीट जो है ना एज इट इज़ जो बगैर किसी मैकेनिज्म के जो है ना वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको पावर पॉइंट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में अगर आप मेरे वॉइस को, लेक्चर को आप स्टोर कर रहे हैं ना, फिर सर्विस प्रोवाइडर मैं नहीं हूँ, टीचर नहीं है, फिर वो जिस डिवाइस पे वो स्टोर हो रही है ना, वो आवाज़ जो स्टोर हो रही है, फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो पर्टिकुलर डिवाइस है, फिर सर्विस प्रोवाइडर वो होगा। मैं अगर मैं सर्विस प्रोवाइड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने मुझे आपको दोबारा लेक्चर देना पड़ेगा, समझते हैं, कि अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो अभी साथ साथ ही वो वर्ड जो बोल रहा हूँ वो हवा में और साउंड जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो रिकॉर्डिंग जो है वो होती है वो, फिर वो अगर आप ये लेक्चर दोबारा सुनेंगे, फिर जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिस पे आप लोग वो सुन रहे हैं, फिर वो आपकी जो है ना वो सर्विस को प्रोविजन उसमें होती है एक चीज़, ठीक है। उसके बाद सर्विस प्रॉफिट चेन, चेंज दैट लिंक्स सर्विस फ्रॉम प्रॉफिट विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट दिस चेन कंसिस्ट ऑफ 5 लिंक्स। कहते हैं कि सर्विस प्रॉफिट चेन ऐसी होती है कि जो कि सर्विस फर्म को के प्रॉफिट्स को और एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आपस पर लिंक करती है, इसको सर्विस प्रॉफिट चेन कहते हैं। अब इसमें जो है जो कुछ मल्टीपल जो इस चेन में के जो ना वो फैक्टर्स हैं जो जिन पे ये कंप्राइज करती है, बनती है, पहला तो है इंटरनल सर्विस क्वालिटी, सुपीरियर एम्प्लॉयज सेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सेक्शन का वर्ड लिखो सिलेक्शन, एक्चुअली सुपीरियर एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड क्वालिटी वर्क एनवायरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दोज डीलिंग विद कस्टमर। अगर आप सर्विस प्रॉफिट चेन को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो आप अच्छे एम्प्लॉय सेलेक्ट करें, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करें, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें, और अच्छी कस्टमर डीलिंग की भी उनकी ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, ताकि जो है ना आपका सेटिस्फाइड कस्टमर हो। पहला तो है कि इंटरनली सर्विस क्वालिटी जो है ना आपने मैनेज करनी है। दूसरा है सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव सर्विस एम्प्लॉयज, मोर सेटिस्फाइड लॉयल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। जितना आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा ना आपके अदारे से, वो उतने अच्छे उतने सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट करेगा। अगर मैं खुद अपने अदारे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना एज ए एम्प्लॉय, तो मैं कभी भी स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। मैं जितना मैं खुद सेटिस्फाई होऊंगा उस हिसाब से मैं आगे जो है ना अपने जो ना स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करूंगा। इसी तरीके से जितना आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है उसी के उतने हिसाब से वो हार्डवर्क को करेंगे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए सेटिस्फाइड कस्टमर होना चाहिए। तो थर्ड थिंग इज ग्रेटर सर्विस वैल्यू, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कस्टमर वैल्यू, कि आपने कस्टमर वैल्यू को जो है मैक्सिमाइज करना है। कस्टमर वैल्यू होता है कि जी बेनिफिट्स ओवर सेक्रीफाइस, टू ऑब्टेन सर्टन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स
हाउ मच कस्टमर सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। यानी कि एक मोबाइल फ़ोन की जो है ना वो से मुझे कितना फ़ायदा होता है, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ कि मोबाइल फ़ोन लेने में मुझे कितने कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, कितनी मुझे खपत करनी पड़ी है, ये जो बैलेंस है इसको जो है ना वो हम लोग वो कहते हैं वैल्यू, कस्टमर वैल्यू कहते हैं। सर्विस के सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें, हमने कोशिश ये करना है कि आप लोग अपने कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करो। आप लोग उस अपने लोगों के जरिए, प्राइस के जरिए, प्रोडक्ट के जरिए, फिजिकल एविडेंस के जरिए, ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाई जो है ना वो उसको मैक्सिमम वैल्यू मिले। जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर, वो चीज़ जो है ना वो जनरेट होगी। ऐसे कस्टमर जो कोई लॉयल होते हैं वो रिपीट परचेज करते हैं, और रिपीट परचेज करते हैं तो दूसरे लोगों को साथ रेफर भी करते हैं आपकी तरफ। इसके बाद है हेल्दी सर्विस प्रॉफिट एंड ग्रोथ, कि आपके जो है ना सुपीरियर सर्विस फर्म परफॉर्मेंस, कि अगर आपका जो लॉयल कस्टमर लॉयल है तो आपके जो ना प्रॉफिट भी आपके जो ना वो मैक्सिमम होंगे और कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा।